हाउ टू फिक्स BGMI स्टक ऑन क्रैप्टन लोगो। अगर आपकी भी जो BGMI गेम है वो क्रैप्टन लोगो पे स्टक हो चुकी है और यहाँ से आगे बढ़ नहीं रही है, प्रोसेसिंग हो रही है पर आगे कुछ शो नहीं हो रहा है, तो कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए आज की वीडियो में बताऊँगा। मुझे भी ये प्रॉब्लम आ रही थी, जो क्रैप्टन लोगो प्रॉब्लम आ रही थी कि स्टक हो जाती है यहाँ पर गेम, कैसे इसको प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। हाल ही में ये प्रॉब्लम बहुत सारे यूज़र को आ रही है, इसका मेन रीज़न है इंटरनेट प्रॉब्लम। तो कैसे सॉल्व करें, कुछ सिंपल स्टेप है, उनको फॉलो जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे इस प्रॉब्लम का रीज़न जान लेते हैं, आती है नेटवर्क इशू के कारण। मैंने इसको कैसे सॉल्व करा वो मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले हमें अपने डिवाइस की जो सेटिंग है, सॉरी प्ले स्टोर ऐप है, उसको ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर ऐप ओपन करने के बाद यहाँ पर हमें सर्च कर लेना है, हमें अपनी जो गेम है BGMI उसको सर्च कर लेना है। यहाँ पर सर्च करने के बाद यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन दिखेगा, अगर बाय चांस अपडेट का ऑप्शन ना दिखे तो एक बार रीइंस्टॉल करने की जरूर ट्राई करें। तो इसके बाद यहाँ से बैक आ जाना है। बैक आने के बाद कुछ सिंपल सी सेटिंग है जो आपकी ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे हमें सेटिंग है ओपन कर लेनी है अपने डिवाइस की। सेटिंग ओपन करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, सेटिंग ओपन करने के बाद यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करना और यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क का, इस पर टैप करने के बाद सॉरी यहाँ पे सबसे पहले कनेक्शन एंड शेयरिंग पे जाना है। यहाँ पे रीसेट वाईफाई मोबाइल नेटवर्क एंड ब्लूटूथ का ऑप्शन है और यहाँ से इनको रीसेट जरूर कर दीजिएगा। इनको रीसेट करने के बाद यहाँ से बैक आ जाना है। बैक आने के बाद सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क पे टैप कर देना है। इस पे टैप करने के बाद यहाँ पे एडवांस सेटिंग ऑप्शन दिख रहा है, इस पे टैप कर देना है और यहाँ पे मल्टीपल टाइप्स के ऑप्शन शो हो रहे हैं। एसएस पॉइंट नेम्स का ऑप्शन शो हो रहा है और इसको यहाँ से रीसेट जरूर कर देना है। इसको रीसेट करने के बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, इसे बैक आ जाना है। बैक आने के बाद प्रीफर नेटवर्क टाइप का ऑप्शन दिख रहा है तो यहाँ पे LTE सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे LTE सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से बैक आना है और मोबाइल नेटवर्क पे टैप कर देना है। तो मोबाइल नेटवर्क पे जाने के बाद यहाँ पे इसको ऑटोमेटिकली पे सेलेक्ट कर देना है, इसको ऑटोमेटिकली मोड पे रहने देना है। इसके बाद यूज़ बोल्ट है इसको इनेबल कर देना है, मेक कॉल्स यूजिंग वाईफाई इसको भी इनेबल कर देना है। इन सभी को इनेबल करने के बाद डिवाइस को रीस्टार्ट करें और आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।